काम तुम दोस्तों उम्मीद है आप पहले से होंगे। अलग अलग पर अपना कुछ करम टू मैं और हमारे शो को भी जो है कुछ काम रखे। आज आप देख रहे होंगे मैंने कैप भी पहने हुई। आमतौर पर मैं कैप में ही आता और कैप ही मैं पहनता हूँ, लाजमी सी बात है। बस आज मशीन लगी है हमारे घर में, कैप भी धुल गई है मेरी, वो गीली है, पहन नहीं सकता मैंने। चलो वीडियो तो बनानी है कोई नहीं आज ऐसे ही। तो माशाल्लाह जैसे आपको पता है कि ईद वगैरह भी आ रही है, हम ईद के सिलसिले में थोड़ा सा मसरूफ भी है। ईद के वाले से यही मशवरा हो रहा है कि भाई हम केक जो है वो कहाँ पे रखें, इतने ज्यादा माशाल्लाह केक है तो कहाँ पे एडजस्ट किया जाए। अभी हमारे पास एक दो तीन चार और ये पाँच ये हो गए और एक ये तीन का मतलब इसलिए वो तो छोटा है ऊपर ही है, उससे हम कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये बड़े केज हैं हमारे पास, हम कहाँ एडजस्ट करें क्योंकि इसके बिना में हमने सारे डाउन वगैरह जो भी हमारे आने हैं बगीचे की तैयारी कर दी है तो वो हमने इधर रखने हैं। अब देखिए उसी के लिए काम का हमारे पास ये भी कुछ है, ये हमने काम करवाया, इसका सारा कुछ कटवाया क्योंकि ना अभी हमने ऊपर लगवानी है तिरपाल। धूप वगैरह जो है वो जानवर भी सेफ रहेंगे, धूप भी नहीं आएगी। एक और दूसरा खुदाना वास्ता बारिश वगैरह हो जाती है उनसे भी काफी बचत हो जाएगी। वो जो धूप ये तिरपाल वाला काम है ना वो बहुत लाजमी है, जैसे अब तो यहाँ पे मौसम खराब है ज्यादा, कभी भी बारिश हो जाती है पता कोई नहीं लगता है। एक हमने काम करवाना है तिरपाल वाला, जिसकी वजह से हमने ये सारा कटवा लिया है यहाँ से शेप में ले आया। एक ट्रिम वगैरह कहने की ट्रिमिंग होगी, अभी वही काम चल रहा था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बाउंड्री बनवानी है। ये कब तक बाउंड्री बन जाएगी, कब ये आज या कल शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ यहाँ पे हम ये बाउंड्री बनवानी है, बाउंड्री बनवा के वहाँ पे ना सारे हमने मिट्टी डलवा देनी, मिट्टी डलवा के फिर हम जानवर लेके आएंगे, उससे पहले नहीं लेके आएंगे। जानवर हमारे तब भी आएंगे जब हमारे जो है ना ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि जब भी हैं वो सुकून माहौल में कंफर्टेबल रहें, हमें भी ना टेंशन हो और वो भी इजी रहे, ना गर्मी वाला सीन ना कुछ भी ना हो। बस हम यही सोच रहे हैं कि क्या करें। बाकी आपके भी मुझे सजेशन चाहिए होगी, ये जो केज वगैरह हैं मैं इन्हें कहाँ पे रखूँ। ये जैसे कि अब ये पाँच केज छः केज मैंने आपको गिनवाए, अब अगर मैं छत पर लेके जाता हूँ, छत पे लेके जाऊंगा तो वहाँ पे तो वही गर्मी बहुत है, आप छत पे तो रख नहीं सकता। आप भी ऐसे सोच रहे होंगे वही माशाल्लाह इतनी बड़ी छत है, सारे केज मैंने ऊपर क्यों नहीं रखे। असल में ऊपर गर्मी बहुत हो जाती है तो मैं नहीं चाह रहा भाई कि इनका काम खराब हो। इनके तो वैसे ही ज्यादा गर्मी लगती है, मुर्गियों के पास से ज्यादा गर्मी लगती है और इससे ज्यादा केयर इन छोटे परिंदों की करनी पड़ती है। अगर इन्हें ज्यादा गर्मी लग जाए तो ये लोग फिर जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक्सपायर हो जाते हैं। और जैसे कि मटके वगैरह भी लगे हुए हैं इनके, इन्होंने इसमें अंदर जाना होता है तो फिर गर्मी तो जाहिर सी बात है ना है सबके लिए, तो इसलिए मैंने इन्हें नीचे रखा हुआ, छत पे नहीं रखा हुआ। और अगर मैं छत पे रखता हूँ तो शेड तो बनवाना पड़ेगा मुझे, तो कौन सा शेड बनवाऊँ, कोई सजेशन वगैरह मुझे आपकी चाहिए होगी वो आपने मुझे कमेंट में बता देना। आप भी इस तरह से करने मशवरा वगैरह दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से भी देख लूँ कहाँ पर कौन सा करना क्या करना बेहतर है इन सबके लिए। बाकी हमने वो जो जानी कहानी चक्रों में लगे हुए हैं क्या काम करना है, जो आने वाली चीज़ें थी उनमें से एक चीज़ का हमने ऑर्डर दिया था माशाल्लाह कुछ कम दिया, वो हमारे घर आ भी चुकी है। ये हमने खुर्लियाँ बनवाई थी बकरों के लिए, सबसे पहले तो हमारे इंशाल्लाह बकरे आएंगे ना, देखिए अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में आ जाएंगे हमारे पास। ये हमने खुर्लियाँ बनवाई थी, ऑर्डर दे दिया था भाई ने जो है कल इधर हमें डिलीवर करवा दी और कल आते साथ ही भेजा। यहाँ पे बारिश हो गई, बारिश की वजह से पहले हमने यहाँ रखी थी, यहाँ उतरवा दी थी, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी क्योंकि बारिश हो गई थी। हमने चार तक भाई गीली हो जाए, और अगर एक दफ़ा गीली हो जाती फिर इन्होंने खुशक नहीं होना था, तीन से चार दिन हमारे ऐसे निकल जाने थे। जो है जो भी अगर थोड़ी बहुत नमी हो इसमें वो भी खुशक हो जाए, और जैसे फिर हम इजीली जानवर लेके आ सकते हैं। इधर ना कर लें बाइक को इधर ही कर दो आप, फिलहाल स्टैंड पे लगा दो। बाकी देख लेना इसमें मेरा नहीं आ रहा कीले वगैरह तो कोई नहीं, कीले बायस कीले वैसे मैंने उसे चैन से दिया था, कीले वगैरह अंदर अंदर करते हैं ताकि जानवर वगैरह भी लगे ना। बनाई उसने भारी लगती है काफी, भारी भारी हो है माशाल्लाह काफी बड़ी है तैयार कर भाई, और मैं रख दे वहां भी है इसमें इजीली जो है ना बकरे वगैरह भी बन जाएंगे और खाना वगैरह जो है हमने डालेंगे इजीली हो जाएगा। इसमें हम जितने चाहें वैसे बांधने को, तो हम इधर छः की जगह बनी हुई छः बांध सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा भी हो हमने आठ आठ भी बांधे हुए, दस दस भी बन जाते हैं, तो वही अब हमारे पास चार हैं। अगर और भी थोड़ा पड़े तो इन शाला और भी ले आएंगे। तो बस इसी ना उसमें हम सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, केज वगैरह जो है ना ऑब्वियसली बात है हमें इन्हें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, ये अब यहाँ नहीं जा सकते, ईद के बाद वापस आएंगे तो।
लेकिन भाई काफी भारी भारी है। जिस तरह वो कह रहे थे ना आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गर्मी लग रही है अभी। हाँ गर्मी तो भाई बहुत हो गई, आपको क्या पता नहीं लग रहा होगा कि इस टाइम पसीने आ रहे हैं फुल। अब ये गर्मी वाला जो काम है ना वो लाजमी हो गया, इसीलिए सेटअप करेंगे। हाँ कूलर वगैरह ठीक है ना हमारा, वो चल रहा है। हाँ कूलर ठीक है, कूलर ठीक है। हाँ बस उसकी खर्चे वगैरह देख लेंगे। गर्मी का आइडिया आप लोग यहाँ से कर सकते हो, चीज़ों को ठीक है ना। मेरा ख्याल है अभी आराम ही कर रहे थे, गर्मी तो वैसे हो ही नहीं है। माशाल्लाह देखें अपने माहौल में सारे बैठे हैं, अभी हवा ऐसे ठंडी चल रही है, ठंडी हवा है। कल बारिश वगैरह हुई है उसकी वजह से ना मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, मॉडरेट हुआ है। तो अभी इन्होंने भी मुँह नहीं खोले हुए, वरना इनके भी मुँह खोले हुए होते हैं। हवा आ रही है यहाँ से, तो अब देखें क्या हिसाब बनता है। बाकी डेली की अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे तो विजिट होते रहते हैं, मुख्तलिफ आउट ऑफ टाउन भी जाना पड़ता है हमें, वहाँ से भी देखते रहेंगे जो भी मंडी वगैरह के अपडेट्स होंगे वो भी आपको इंशाल्लाह कोशिश होगी कि शेयर करते रहें। हम जा तो रहे ही हैं, वहाँ की भी अपडेट आपको देते रहेंगे, क्या रेट वगैरह चल रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ की भी। बाकी कॉल पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नंबर आपको ऑब्वियसली बात अच्छे हो रहे होंगे, बल्कि कॉल भी कर लीजिएगा, दो नंबर होंगे। कोशिश करिएगा कि पहले आप व्हाट्सअप कर लें, व्हाट्सअप के बाद फिर आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी आप हमें जो है अपनी सजेशन वगैरह भी दे दीजिएगा कि हमें कहाँ कहाँ का सपोर्ट करना चाहिए, तो आप इंशाल्लाह जो है वहाँ पर जान भी जाएंगे। और हमारे पास भी इंशाल्लाह जो है कुछ दिनों में ही हमारे पास जानवर वगैरह आ जाएंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपने हमारे जानवर माशाल्लाह जिस तरह के आए हैं, क्या रेट वगैरह है, वो आपको इंशाल्लाह जो है आप डेली व्हाट्सएप पर ना आपको शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू कोई अपडेट आए, वीडियो आए, वो आप लाजमी से पहले देखना चाहते हैं, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो सके। और जब भी तो लाजमी से जाके आपने बेल आइकन प्रेस कर दें, कॉन्टैक्ट ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, जैसे कोई अपडेट वगैरह होगी। अभी नज़ीर हमने काफ़ी काम करवाना है, जो भी साथ साथ अभी इंशाल्लाह काम होता रहेगा आपके साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बेल आइकन लाजमी ऑन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। सब लोग अल्लाह हाफिज़।